नमस्कार, मैं आरती सामंत और आप सभी का स्वागत है सामंत फार्म पर। सो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं हमारा जो ये हमने जो लगाया है ना ग्रीन पीज, उसका आज हम हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। तो आप देखिए कितना सुंदर ये आया हुआ है, पर अभी फर्स्ट टाइम मैं निकाल रही हूँ इसको। तो मुझे एक एक प्लांट में ऐसा देखना पड़ेगा कि कहाँ कितना लगा हुआ है। सो ये मेरी इसमें मैं निकालने वाली हूँ। तो चलो मेरे साथ आप भी एंजॉय कीजिए ये हार्वेस्टिंग हमारा ग्रीन पीस का। तो ये मैं फर्स्ट टाइम ऐसा हार्वेस्टिंग कर रही हूँ और ऐसे हर प्लांट को चेक करना पड़ता है। सो जब हम ग्रीन पीस खरीदते हैं और हम बोलते हैं इतना महंगा कैसा है, तो ये मैन्युअली अभी भी मेरे नॉलेज के हिसाब से तो अभी भी ग्रीन पीस हाथ से ही मैन्युअली निकाला जाता है। सो अभी तो ये लगना शुरू हुआ है, फर्स्ट टाइम मैं निकाल रही हूँ, पर मैं आज ज़रा चेक कर रही हूँ कि कितना कहाँ कहाँ लगा है। नहीं तो क्या होगा, ये यदि नहीं निकाला ना तो ये देखो ये पक गया है, नहीं निकाला तो ये फिर मतलब खाने में अच्छा नहीं लगेगा। सो एक एक प्लांट को चेक करना पड़ता है। और ये देसी है, हाँ ये पाउडर, ये जो ग्रीन पीज है या मटर है ये देसी है। सो ऐसे हर प्लांट को चेक करते करते मुझे आना आगे जाना पड़ेगा। और मैंने ये अपने से शूज़ ले लिए। सो आज मैं ज़रा रिलैक्स होके काम कर रही हूँ। आज अभी कम ही निकलने वाला है, पर मैंने आज सोचा कि आज अपन चेक कर लेते। और अभी बारिश थोड़ी सी आज ज़रा कम हो रही है, तो मैंने सोचा कि चलो आज थोड़ा सा ग्रीन पीस का हार्वेस्टिंग कर लेते। कम निकलने वाला है मुझे पता है, लेकिन फिर भी क्या है, यदि आज मैं निकालूंगी तो थोड़ा सा तो भी इसको जस्ट बॉईल करके खा लिया तो भी बहुत टेस्टी लगता है। जस्ट बॉईल किया, नमक डाला तो बहुत टेस्टी लगता है। तो देखो अभी तो लगना शुरू है, पर मैं आज ज़रा चेक कर रही हूँ क्योंकि उसमें भी कई कई जो है वो बन गए। मतलब यदि उसे ज़्यादा देर रखेंगे ना तो वो, उधर सामने देखो कैसा इंसेक्ट है, यदि ज़्यादा देर रखेंगे तो पक जाएगा। तो ये थोड़ा सा काम जरा डिफ़िकल्ट भी है, डिफ़िकल्ट इन द सेंस कि आपको झुक झुक के एक एक प्लांट के पास जाके वो हार्वेस्टिंग करनी पड़ती है। सो थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाएगी मेरी। रक्षाबंधन को मेरी सिस्टर ने ना इतना श्रीखंड खिला दिया, 12 किलो का श्रीखंड बनाया था उसने, 12 kg, कैन यू इमेजिन। और वन गो में 12 kg ख़त्म हो गया। सो आपको लगेगा कि हम कितना खाते, सो इट्स नॉट अबाउट कितना खाना, इट इज़ अबाउट सिटिंग टुगेदर एंड एन्जॉइंग द फूड। कितने किलो के आलू बड़े बनाए थे, बटाटे बड़े, और वो मेरी नीस है ना वो बनाती है, और वो तो पूरा अन्नपूर्णा ही है। मैं तो ज़िंदगी में कभी इतना सुंदर खाना नहीं बना सकती। और ये देखो कितना छोटा सा फ्रॉग है, दिख रहा है आपको, भाग गया। सभी मुझे झुक झुक के एक एक प्लांट के पास जाके चेक करना पड़ेगा। तो जब हम, आप कभी भी जब ग्रीन पीस खरीदते हैं ना, तो कभी भी भावताव मत कीजिए, क्योंकि इसको निकालना पड़ता है ऐसे एक एक प्लांट में से, एंड इट इज़ अ वेरी लेंदी प्रोसेस। और फार्मर को उसका पैसा मिलना चाहिए। तो ये है ना, ये जो ग्रीन पीस है ये बहुत गाउठी, गाउठी मतलब हाइब्रिड नहीं है। सो ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है। और यदि आज मैंने अभी ये वाला नहीं निकाला ना तो ये बहुत ज़्यादा पक जाएगा। सो ऐसे हर प्लांट को चेक करना पड़ता है।
लाइक आप देखोगे ये वाला बन गया है, ये देखो, तो इसको निकाल लेंगे। सो इतने सारे प्लांट है, सो मुझे करीब 1 घंटा लगेगा ये सब निकालने के लिए। सो आई होप तो आप बने रहिए मेरे साथ। अभी अपने से कोई बोलेगा कि आरती तुम्हारा सांस ऐसा क्यों चल रहा है, तो है ना मुझे ना ये झुक के निकालना पड़ता है, ये देखो। तो आप बोलोगे क्या फार्मर भी ऐसे निकालते हैं, तो यस फार्मर ऐसे ही निकालते हैं, पर उनके यहाँ वो डेली वेजेस की जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, दोज हु आर एक्सपर्ट, वो निकालते हैं। तो मेरे यहाँ भी जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो मैं भी बुलाने वाली एक डेली वेजेस का, लेकिन फर्स्ट टाइम तो मैं ही निकालूंगी, या बाद में भी मैं ही निकालने वाली। लास्ट ईयर भी मैंने लगाया था तो मैं ही निकालती थी, और आप मुझे डिफरेंस समझ में आता था। जब मैं निकालती थी तो बहुत अच्छी क्वांटिटी में निकलता था, वो लोग तो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, कभी कभी मतलब उनके सामने खड़े रहना पड़ता है। सो ऐसे आज हमारा फर्स्ट ग्रीन पीस का हार्वेस्टिंग हो रहा है। आप बोलोगे कि क्वालिटी ऑफ प्लांट इज इट गुड, सो यस दे आर गुड, बिना फर्टिलाइजर के तो बहुत ही अच्छे। तो ये आज मेरा हार्वेस्टिंग हो रहा है, देखो इसमें से आधा किलो तो निकल जाएंगे। और यदि फ्रेश सब्जी बनाओ या उबाल के जस्ट बॉईल करो और खा लो ना, तो भी बहुत अच्छे लगते हैं। और मुझे तो है ना बहुत पके हुए से बेटर है, थोड़े से ऐसे नरम से और ऐसे बहुत अच्छे लगते हैं। सो और मैं अपना काम करते करते आपसे बात कर रही हूँ, तो मुझे ना एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आजकल है ना, मे बी इट इज़ फेस्टिवल टाइम और श्रावण महीना, इसके लिए आप में से बहुत कम लोग आजकल वीडियोस देख रहे हैं। मेरे वीडियोस तो सेम है, और आजकल तो बहुत अच्छी क्वालिटी भी हो गई वीडियो की, फिर भी थोड़े कम लोग देख रहे हैं। तो मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि प्लीज़ मेरे वीडियो देखा कीजिए, क्योंकि मैं मेहनत कर रही हूँ, सच में आप विश्वास नहीं करेंगे मैं मेहनत कर रही हूँ, ये बहुत मेहनती का काम है। और आपको यदि आज का वेदर बता दूँ तो आज बहुत अच्छा वेदर है, लेकिन बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, और उस ह्यूमिडिटी के कारण बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहा है। और साथ साथ में मैं ये वीड भी निकाल देती हूँ, क्योंकि यदि वीड की तरफ ध्यान नहीं दिया ना तो ये और बढ़ जाएगा। सो ये काम भी मैं कर रही हूँ, वीड भी निकाल रही हूँ, पौधे को जरा क्लीन कर देते, अभी तो ये शुरुआत हुई है। ऐसे 10-10 किलो एक बार तो इतने सारे आए थे, तो मैंने उसको उबाल के और फ्रीज़र में रख दिया, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत खाते। और आप देखो ये जो है गेंदा, उसमें ऐसा फ्लावरिंग शुरू हो गया। सो ये मेरा काम तो शुरू रहेगा, वहाँ तक इतने सारे प्लांट्स को मुझे देखना है। तो आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। इनिशियल स्टेज में हूँ मैं अभी, वीडियो मेरा ब्लॉगिंग शो, और आप मानेंगे नहीं, कितना भी प्रॉब्लम हो मैं है ना डेली एक वीडियो तो पोस्ट करती ही हूँ। सिर्फ मैंने रक्षाबंधन के दिन और उसके बाद वाले दिन नहीं किया था, रक्षाबंधन वाले दिन भी मैंने एक शॉर्ट पोस्ट किया था, फिर उसके दूसरे दिन नहीं किया था। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि नहीं एक दिन तो अपन ने, तो मैंने आज तक आप मानोगे नहीं मैं पिछले 5 महीने से व्लॉगिंग कर रही हूँ, आई थिंक सिर्फ 1 या 2 दिन मैंने ऐसा व्लॉग नहीं डाला है।
अदरवाइज आई ट्राई टू पोस्ट एवरी डे मतलब एवरी डे। और कितने तो भी मेरे व्यूवर्स हैं जो बहुत अप्रिशिएट करते कि आरती आप है ना व्लॉगिंग रोज़ करते, अपना कमिटमेंट पूरा करते हो। सो थैंक यू जो मुझे अप्रिशिएट करते। और आप देखोगे कि उधर है ना इतना सारा लगा हुआ है, मतलब कच्चा है पर लगा हुआ है, इधर सिर्फ फ्लावरिंग हुआ है। सी एक ही टाइम पे सब लगाया, इधर बहुत अच्छा फ्लावरिंग हो रहा है बट अभी इसमें नहीं आया है, अभी सिर्फ फ्लावरिंग है तो यहाँ एक भी नहीं दिख रहा। और उधर देखो कितना सारा लगा हुआ है जो कच्चा है अभी, तो यहाँ पे भी लगना शुरू होगा। सो ये ऐसा एक भी प्लांट में पौधे में अभी उधर लगा नहीं, आप देखो ये। लेकिन इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई, उधर ग्रोथ कम है लेकिन वहाँ पे फ्रूट आ गया है, दैट इज़ द डिफरेंस। आगे भी देखते हैं, अभी मैं यहाँ तक आ गई हूँ तो फिर मैं आपको आगे भी दिखा देती हूँ। सो यहाँ नहीं लगा है, मुझे लगता है मैंने जल्दी कर ली, लेकिन वो जो पाव किलो निकला है वो निकालना ज़रूरी था। और ये कल इसका मैं करूँगी हार्वेस्टिंग, ये है शेपू। सो कल परसों इसको हम निकालेंगे तो उसका भी मैं आपको हार्वेस्टिंग करूँ बताऊँगी ये कैसे करते हैं। उधर भी शेपू लगा है, सो ये तीन रो में शेपू लगा हुआ है। और यहाँ सरप्राइजिंगली यहाँ पे कोई भी मतलब फ्रूट नहीं दिख रहा है, सिर्फ फ्लावरिंग हुआ है। और वहाँ पे इतना ज़्यादा फ्रूट लग गया है, आई डोंट नो मे बी बिकॉज ऑफ द आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न। यहाँ पे सिर्फ एक दिख रहा है, आई थिंक ये बाद में सब तैयार। ये देखो एक जो लगा है वो भी बहुत मतलब अभी आया है, मुझे लगा था बहुत सारा मिल जाएगा मुझे लेकिन नहीं। और ये देखो यहाँ पे ककड़ी में भी फ्लावरिंग शुरू हो गया, ये देखो ये ककड़ी है, ये देखो ककड़ी है ना, बहुत अच्छा फ्लावरिंग शुरू हुआ है इसका, तो मे बी इसमें भी ककड़ियाँ लग जाएगी। तो ककड़ी के जो दो चार हैं वो पांच छह पौधे हैं, नहीं बहुत सारे पौधे हैं। ये जो कल की इतनी ज़ोरदार बारिश हुई थी ना कि देखो अभी भी चिखल है। और ये है रेडिश जो बहुत अच्छा आया हुआ इसके नीचे, अभी नहीं निकलना, अभी तो बना ही नहीं होगा, जब बनेगा तब मैं आपको दिखाऊंगी। और जो हमने राजमा लाया था ना उसमें भी फ्लावरिंग शुरू हो गया, ये देखो राजमा के फूल। अभी ना इसको बाम्बू लगा के इनको सपोर्ट देना है। हमारे यहाँ क्या है कि रक्षाबंधन की छुट्टी मनाने सब लोग निकल गए, सो आप देखोगे कि राजमा में कितना अच्छा फ्लावरिंग शुरू हुआ है। देखो राजमा दिख रहा है आपको फ्लावर, देखो ये राजमा के फ्लावर। मैंने पहली बार राजमा लगाया है तो मुझे नहीं पता इसकी फली कैसी आती है। और ये तीन तरह का राजमा लगाया हुआ है, ये पूरा बॉर्डर है ना, यहाँ आपको बताती हूँ कहाँ से राजमा लगाया और सब में फ्लावर। और फ्लावर में कई फ्लावर के, कई राजमा के जो फ्लावर हैं वो वाइट कलर के, देखो आप ये वाइट कलर के हाँ। और एक दिखाती हूँ, ये अलग राजमा है और ये अलग राजमा है, तो इनके इसका जो फ्लावरिंग है वो पर्पल कलर है, ये देखो ये पर्पल कलर है। और उसके आगे भी अलग है, सो ये पूरा है ना ये राजमा है, सो इस बार अच्छा राजमा आने वाला है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो एंड आई रिक्वेस्ट माई व्यूअर्स कि आप प्लीज़ देखा कीजिए मेरे वीडियोस, क्योंकि क्वालिटी तो वैसी है जैसे पहले के वीडियोस से आज की क्वालिटी अच्छी है, ऐसा मुझे बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ने बताया, क्योंकि मैंने मोबाइल चेंज कर लिया है। और ये जो पूरा है ना इसको अभी क्लीन करने की ज़रूरत है, इसमें यहाँ पे क्लीन लेने से ज़रूरत है। और वो जो सामने दिख रहा है वो पूरा मटर है, सो ऐसे। और अभी यहाँ तक आई हूँ तो आपको
कुआं दिखा देती कि कुआं कैसा हो रहा है। और ये एक मशरूम देखो, अलग तरीका मशरूम है ये। मशरूम तो बहुत तरह तरह के मशरूम आते हैं, ये देखो। ये मे भी ये जंगली मशरूम है, ये देखो ये मशरूम है। और ये बहुत ही सुंदर रात की रानी। कल मैं इरफान खान की बायोग्राफी पढ़ रही थी और उसमें उसने लिखा था कि उनको रात की रानी बहुत पसंद आती थी। और ये देखो हमारी रात की रानी कैसी सुंदर हो गई है। अभी मैं यहाँ तक आ गई हूँ तो आपको कुआं दिखा देती हूँ कि कुएं के क्या हाल है। बारिश के बाद पानी कितना बढ़ गया है। सो पानी बढ़ा है, ये देखो कैसे कितना पानी बढ़ा है। एरा कुआं इतना पानी बड़ा है, इतना अभी। तो ये कुआं है तो उधर पूरा क्लीन करना है। और आपसे मैंने एक एलिफेंट ग्रास का वीडियो बनाया था ना, तो वो जब लगाया था तो कैसा था, और अभी देखो एलिफेंट ग्रास कितना अच्छा हो गया। एलिफेंट ग्रास की तो बहुत ज़रूरत है हमको। और सामने देखो परसों यहाँ पे दो लगे हुए थे नेस्ट, अभी एक ही रहा हूँ। पता नहीं किसने निकाल लिया, वो भी ग्रीन कलर का हो गया है। आई डोंट नो वो किसने निकाला है या गिर गया, आई डोंट नो। उसका मैंने उसकी तरफ, मतलब मैं क्या करती ना, वो मेरे हाथ में तो है ही नहीं, बिकॉज इट इज़ उसके नीचे पूरा कुआं है। सो ये आपका कुआं दिखा दिया मैंने। फिर आगे जाके जो मेरा फेवरेट फर्स्ट टाइम मैंने अपने खेत में लगाया वो है तिल। तो यहाँ पे ऐसे हमने एक बैठने का बनाया हुआ है और एक ऐसी ये चमेली है, ये लहसुन बेल है। और ये जो है ना ये मुझे बहुत पसंद आई, ये फर्स्ट टाइम हमने लगाए, ये है तिल, काले तिल। तो ये देखो काले तिल, ये काले तिल के प्लांट्स है और ये पूरा वहाँ तक काले तिल है, ये रहा। और उस साइड में हमने लगाए थे काली मोहरी, मोहरी मतलब राई, मस्टर्ड काली और येलो। तो ब्लैक मस्टर्ड और येलो मस्टर्ड लगाए थे लेकिन वो आए नहीं, तो अभी वापस लगाना है। सो राइट नाउ दिस इज फार्म और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और मैं हर समय आपको ये प्लांट शेयर करती हूँ। सो बहुत रिसर्च करने के बाद में पता चला कि ये धतूरा है। अभी धतूरे को इंग्लिश में क्या बोलते नहीं पता मुझे, तो ये धतूरे का प्लांट है और मैंने इसको यहीं रहने दिया है। और मेरा हर समय मानना ऐसा रहता है कि यदि कोई प्लांट आपके खेत में लगता है तो कुछ रीज़न होता है उसके लगने का। सो ये धतूरा यहाँ लगा, अभी इसका फ्लावर शुरू हो गया और जब इसमें फ्रूट लगेगा तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। सो मैं आरती सामन, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और मैं तो दिन भर खेत में काम करती रहती हूँ, सो अभी मैं खेत में हूँ और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा। सो आई होप आपको ये लेटेस्ट डेवलपमेंट जो है खेत में वो पसंद आया होगा, खेत भी पसंद आया होगा। और ये देखो कभी कभी एकदम ठंडी हवा चलने लगती है फिर एकदम गर्मी बढ़ जाती है, तो वेदर बहुत ख़राब है। आप सभी अपनी हेल्थ का ध्यान रख दीजिए। और मैं आरती सामन अपने सामन फार्म से आप सभी को बाय करती हूँ। अपनी सेहत का ख्याल दीजिए, अपनी तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि ये मौसम इतना ख़राब है ना, कभी ठंडी कभी गर्मी कभी बारिश। तो और इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं एंड करती हूँ। थैंक यू, टेक केयर, बाय।